नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये टॉपिक है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। आपने सुना होगा कि ये शेयर अपर सर्किट पे है इसलिए मैं खरीद नहीं पाया, या ये शेयर लोअर सर्किट पे है इसलिए मैं बेच नहीं पाया। तो आज इस वीडियो में हम ये अपर सर्किट लोअर सर्किट का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे कि अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, ये क्यों लगता है, अलग अलग शेयर पे अलग अलग प्राइस पे लगता है तो वो क्या प्राइस होता है, क्या वो प्राइस पहले से डिसाइडेड होता है, क्या ये सभी शेयर्स पे लगता है या कुछ पे लगता है कुछ पे नहीं लगता है, और अगर जब इस पे सर्किट लग जाता है तो क्या होता है, क्या ये दिन में दोबारा खुलता है अगले दिन खुलता है। तो ये सारी जो बातें हैं इससे रिलेटेड वो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ टैब पे कि एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर शेयर का एक प्राइस होता है जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होता है। मान लीजिए जैसे ये 100 रुपये, मान लो जो पिछले दिन ये कोई भी एक शेयर है जो 100 रुपये पे वो क्लोज हुआ है, तो एक्सचेंजेस जो हैं वो उसके अराउंड एक रेंज बनाते हैं कि अगले दिन नेक्स्ट डे ये इस रेंज से नीचे नहीं जा सकता और इस रेंज से ऊपर नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम ड्रॉप यहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम अप यहाँ तक जा सकता है। इसको बोलते हैं डीपीआर, डेली प्राइस रेंज। क्या बोलते हैं इसको? डीपीआर। तो हर शेयर के लिए, हर स्टॉक के लिए जो है एक्सचेंज एक डीपीआर हर दिन रिलीज करता है कि जो प्रीवियस डे का क्लोज है उससे अगले दिन मैक्सिमम इतना ऊपर जा सकता है इतना नीचे जा सकता है। ये कुछ शेयर्स के लिए 2% होता है, किसी के लिए 5% होता है, किसी के लिए 10% होता है, किसी के लिए 20% होता है। मोस्टली ज़्यादातर शेयर्स पे ये रेंज होता है। ये किस पर नहीं होता है? तो जो शेयर FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उन पे ये लिमिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये होता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें टाइम की वैल्यू होती है। अगर टाइम की वैल्यू, जैसे आप ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो टाइम के साथ ऑप्शंस का प्राइस गिरता जाता है, चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो। तो अगर उस पर आपने सर्किट लगा दिया तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो ठीक से ट्रेड नहीं हो सकते। तो किसी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो शेयर्स होते हैं उन पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगता है, उन पे सिर्फ टेम्परेरी फ्रीज लगता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले SBI का शेयर जो है वो एकदम 10% चढ़ गया था। तो वो 10% चढ़ा तो थोड़ी देर के लिए, आई थिंक शायद 10 या 15 मिनट के लिए उस पर फ्रीज लगता है और फिर और ऊपर जाने के लिए खुल जाता है। इसी तरह से अगर वो ड्रॉप होता तो वो 10% ड्रॉप होता, टेम्प्रेरी फ्रीज होता 10 या 15 मिनट का, जो भी होता है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो उतना ड्रॉप होने के बाद उतनी देर के लिए फ्रीज होता है और फिर इमिजिएटली खुल जाता है। लेकिन दूसरे शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। जो शेयर्स FNO में ट्रेड नहीं होते हैं उनका जो लिमिट है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम फ्यूचर रिटेल का। तो फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है, मान लीजिए वो 10% गिरा तो वो 10% पे पूरा दिन वहां पे ब्लॉक रहेगा, पूरा दिन ब्लॉक रहेगा, उसके नीचे नहीं जा पाएगा। उस प्राइस पे अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो उस प्राइस पे इसका मतलब बायर्स नहीं है, सेलर जो है वो उस प्राइस पे सेल करने को तैयार है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जो खरीदना चाहते हैं वो उसके उससे नीचे खरीदना चाहते हैं और उस पे वो प्राइस जा नहीं सकता, तो वो आज के दिन पूरा दिन वो बंद हो जाता है। ठीक है, अगले दिन वो खुलेगा दोबारा तो जो पिछले दिन का जो ड्रॉप था उस प्राइस से और फिर 10% नीचे जा सकता है। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल में मैं यहां दिखाता भी हूं। ये देखिए, जैसे आप इसमें, ये मेरी वॉच लिस्ट में, आप सबसे नीचे अगर आप फ्री टेल में जाएंगे और यहां पे अगर आप देखें तो मैं इसका 1 M की बजाय मैं 1 day का अगर मैं ये लगाता हूं, और आप यहाँ थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको जो एक एक लाइन जो दिखाई दे रही है, ये एक एक आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये सर्किट्स हैं। ठीक है,
तो ये हो गया शेयर्स का। अब इंडेक्स का टोटली अलग होता है, जो इंडेक्स हमारे हैं, जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उनका टोटल अलग तरह का कॉन्सेप्ट होता है, उनका अलग अलग टाइमिंग होता है, कितना ड्रॉप हो सकता है और उसके बाद खुलता है, तो वो भी प्री मार्केट के साथ खुलता है। तो वो कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हमारा इंडेक्स कोई भी, जो कि जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसमें अगर सर्किट लगता है, चाहे वो अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट, तो पहला सर्किट होता है वो होता है 10% पे। और अगर ये 1 बजे से पहले लगा, 10% का सर्किट 1 बजे से पहले लगा, चाहे वो ऊपर का लगा चाहे नीचे का लगा, तो मार्केट बंद कर दिया जाता है 45 मिनट के लिए। ठीक है, 45 मिनट के बाद फिर मार्केट खुलता है, तो उसमें 15 मिनट का प्री मार्केट होता है और फिर मार्केट चलता है। ठीक है, ये हो गया मार्केट खुलने से लेकर 1 बजे के बीच में। 1 से 2.5 बजे के बीच में अगर कोई भी 10% का सर्किट लगता है, अपर या लोअर, तो क्या होता है, तो मार्केट बंद होता है 15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर खुलता है, तो 15 मिनट का प्री मार्केट होता है और फिर मार्केट खुलता है। लेकिन अगर 2.5 बजे के बाद अगर 10% ड्रॉप होता है तो सर्किट नहीं लगता है। ठीक है, तो 10% ड्रॉप में अगर 1 बजे से पहले हुआ तो 45 मिनट के लिए बंद होगा, 1 बजे से 2.5 बजे के बीच में हुआ तो 15 मिनट के लिए बंद होगा, और 2.5 बजे के बाद अगर 10% ड्रॉप आया तो मार्केट बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये पहला हो गया ये 10% का। अब मानिए कि 10% के बाद मार्केट फिर गिरा या उठा और वो 15% पे आ गया, चाहे वो अपर साइड हो चाहे लोअर साइड हो, अगर वो 15% आ गया तो उस पर फिर सर्किट लग जाता है। तो उस पर सर्किट की क्या कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन ये है कि अगर 1 बजे से पहले लगा तो मार्केट 1 घंटा और 45 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा खुलता है, और वो दोबारा वही वो 15 मिनट का प्री मार्केट के साथ फिर खुलता है। लेकिन ये जो 15% का सर्किट है, अगर 1 बजे से 2 बजे के बीच में लगता है तो 45 मिनट के लिए मार्केट को बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर वो खुलता है, उसमें भी 15 मिनट का प्री मार्केट आता है और फिर मार्केट खुलता है। और फिर है कि अगर 2 बजे के बाद अगर मार्केट 15% गिरता है तो क्या होता है, तो उस दिन के लिए मार्केट को बंद कर देते हैं कंप्लीटली, फिर वो अगले दिन ही नॉर्मली जो प्री मार्केट के साथ जो है खुलता है वैसे ही खुलता है। तीसरी और सबसे खतरनाक कंडीशन होती है कि पूरे दिन में, यानी 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, किसी भी समय अगर मार्केट 20% गिर गया, तो पहले तो वो 10% गिरेगा उसका सर्किट लगेगा, फिर 15% गिरेगा उसका सर्किट लगेगा, और तीसरा सर्किट अगर लग गया 20% का, चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे ऊपर की साइड हो, वो दिन में कभी भी लगे, अगर वो लग गया तो उस दिन की ट्रेडिंग पूरी बंद हो जाती है। तो ये जो है इंडेक्स में जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये लोअर साइड भी होता है, अपर साइड भी होता है। अब इंडेक्स में तो नहीं, लेकिन कई बार लोग जो हैं वो छोटे पेनी स्टॉक्स में इनकी वजह से फंस जाते हैं, मतलब नॉर्मल बड़े स्टॉक्स में भी फंस जाते हैं। जैसे जब मैंने अभी आपको फ्री टेल का जो एग्जांपल आपको बताया, लोग उसमें भी एक्चुअली जो है वो थोड़ा सा फंस गए थे। जब ऊपर जा रहा था तो लोग खरीदना चाह रहे थे, लेकिन जब लोगों ने खरीदा तो वो लोअर सर्किट पे आना शुरू हो गया और फिर लोग बेच नहीं पाए। तो ये जो है वो बड़े जो शेयर होते हैं जिनका मार्केट फ्लोट बहुत ज़्यादा है उनमें कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो छोटे शेयर होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिनके लोग आपको SMS पे या इधर उधर जो है वो मैसेज भेजते हैं कि ये खरीद लो, रोज़ 5% ऊपर जा रहा है, रोज़ 5% ऊपर जा रहा है, वो एक्चुअली उनका मार्केट फ्लोट बहुत कम होता है, मतलब मार्केट में जो शेयर निकाले होते हैं वो बहुत कम निकाले होते हैं और प्राइस कम होता है। तो कोई भी जो बड़ी एंटिटी है अगर उसके प्राइस को मैनेज करना चाहे, कंट्रोल करना चाहे, तो कर लेती है। और वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे मार्केट में जो शेयर आने लगे हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं, वो सारे खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर वो खरीदना शुरू कर देते हैं तो उनका अपर सर्किट जो है जो लगना शुरू होता है, और उस समय फिर उनके जो एजेंट्स हैं वो सब जगह जा जाके जो है लोगों को बोलते हैं कि ये रोज इतना परसेंट चल रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, चले जा रहा चले जा रहा है। तो उस चक्कर में लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं और देखते हैं कि हाँ उनका प्राइस ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि वो लोग जो है वो मार्केट में पूरा बेचना शुरू कर देते हैं। अब बेचना शुरू करते हैं तो खट से फिर लोअर सर्किट लगना शुरू होता है। अब जिन लोगों ने अपर सर्किट में चढ़ने के बाद खरीदा था, अब वो बेच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कंटिन्यूस लोअर सर्किट लग रहा है, तो अब वो अपर सर्किट में एक पॉइंट पे खरीदा उन्होंने और थोड़ा ऊपर जाकर फिर वो गिरना शुरू हुआ, तो अब वो बेच ही नहीं सकते हैं। तो वो प्राइस गिरता 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 जो अपना पुराना प्राइस होता है उससे भी बहुत नीचे चला जाता है, और जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और फिर उनको बहुत नीचे जाके जब प्राइस बहुत लो हो जाता है तब उनको बेचना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे शेयर्स में स्कैम भी होते हैं जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे बेस्ड होते हैं गाइस, तो ये ध्यान रखो कि उन स्कैम में आपको नहीं फंसना है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी इस वीडियो से कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। अगर गाइज वीडियो पसंद आया हो एक थम्सअप दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो बाय।